पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक में गैर सरकारी विद्यालय ने बैठक का आयोजन किया और सभी विद्यालय के प्रधानों ने मिलकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं तहसीलदार राम भरोस से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप दिया, साथ ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। निजी स्कूल संचालक अमित गौतम ने बताया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को बिना TC के प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। कोविड-19 के चलते जो स्कूल बंद चल रहे हैं उन्हें वापस से खोल देना चाहिए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके। राजस्थान के मोदरान में जालौर द स्वर्णगिरी के कार्यकर्ताओं द्वारा भीनमाल स्थित गणेश नाड़ी में कच्ची बस्तियों के बच्चों को पाठशाला के माध्यम से पर्यावरण के बारे में समझाया गया और बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व समझाते हुए सभी को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। राजस्थान के रालास में एक सड़क पर दो मवेशियों के आपस में लड़ने से एक बाइक सवार युवक का एक्सीडेंट हो गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। स्थानीय निवासियों के द्वारा घायल को CHC लालसोट में भर्ती कराया गया। अच्छा। तो आपने क्या सहयोग किया उनके जैसे एक्सीडेंट हुआ? एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस कितनी देर में आ गई थी? एम्बुलेंस को लगाया 15-20 मिनट लगे। 10-15 मिनट पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस आ गए थे। पुलिस वाले तो आए भी थे पर रुके नहीं थे, तो आ गए थे मगर राजस्थान के निजी स्कूल संचालकों ने राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ एतराज़ जताया। वहीं उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा प्रकट की। राज्य सरकार के आदेश अनुसार कक्षा 1 से 8 तक TC की अनिवार्यता खत्म कर दी है, जिसके चलते हजारों स्कूलों के फीस डूबने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से प्रदेश के सभी स्कूल बंद चल रहे हैं और कई अभिभावकों की फीस अभी बकाया है, जिसके कारण स्कूल को भारी आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भाजपाइयों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश जिला व मंडल स्तर के पद अधिकारियों ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों में भ्रम व भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। उन सभी अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान न देकर सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए, साथ ही पार्टी को भी जमीनी स्तर पर और भी मजबूत होना चाहिए।
कौन बनेगा। आज सुकमा जिला के गादीरास के अंदर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जीरमपाल में उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला और प्रदेश के पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हुए थे और जीरमपाल पंचायत में शक्ति केंद्र स्तर की बैठक हुई, जिसमें शक्ति केंद्र के बूथ लेवल तक जाकर भारतीय जनता पार्टी का काम हम कैसे और किस तरीके से करेंगे, आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ पे लगभग सारे युवा ही उपस्थित हैं और इन युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिला। बाकी जगहों में पार्टी का निर्देश था कि 25 लोगों की बूथ लेवल की टीम बनाई जाए और यहाँ आने पर यह देखा गया कि यहाँ 25 से भी ज़्यादा 31 लोगों की के नाम हमारे सामने आए थे। तो मैं पूरे जीरमपाल पंचायत के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करती हूँ। कार्यकर्ता लोग, अध्यक्ष, सचिव, बूथ, बीएल।